नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की पुस्तक से राष्ट्रीय एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, जो आपके लिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 10 में सहायक सिद्ध होने के साथ साथ उन समस्त एग्जाम्स में भी लाभकारी साबित होंगे जिनमें भी इन आयोग से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना दोस्तों किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों, हमने थ्योरी सेक्शन में पढ़ा था राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 5 मार्च सन कब हुई थी, 2007 में हुई थी। इस प्रकार से 5 मार्च 2007 ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 1 का सही जवाब है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 5 मार्च 2007 को की गई थी। प्रश्न क्रमांक 2, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है डैश। तो दोस्तों, यहाँ पर आपसे आयोग की प्रकृति पूछी जा रही है और हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन अधिनियम के माध्यम से किया गया था। तो पहली बात तो यह कि यह एक सांवैधानिक निकाय है, इसका गठन तो अधिनियम के माध्यम से हुआ है किंतु संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं हुआ, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग पहली बात सांवैधानिक निकाय है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी बहुसदस्यीय निकाय, दोस्तों इसमें एक से अधिक सदस्य होते हैं इसलिए यह बहुसदस्यीय निकाय भी है। इस प्रकार से कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 2 का सही जवाब है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं है इसलिए यह संवैधानिक निकाय नहीं है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों प्रश्न क्रमांक 2 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 3, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों लॉजिकली यदि बात करें तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में बच्चों की बात हो रही है एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी मुख्य रूप से महिलाओं एवं बच्चों के लिए समर्पित है, इसलिए लॉजिकली ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 3 का सही जवाब है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्रश्न क्रमांक 4, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में बालक को परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों इस आयोग में बालक को 0 से 18 वर्ष की आयु तक परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 4 का सही जवाब है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में बालक को 0 से 18 वर्ष तक परिभाषित किया गया है। प्रश्न क्रमांक 5, इनमें से कौन कौन से कार्य राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग करता है। तो दोस्तों बाल अधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना, बच्चों को आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, घरेलू हिंसा आदि से बचाना, यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षित करना। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। चूंकि आयोग ऊपर लिखे तीनों कार्यों को करता है इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रश्न क्रमांक 5 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 6, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के क्या उद्देश्य हैं। दोस्तों आपको बताना है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया था। तो दोस्तों 0 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, यह कथन दोस्तों सही है। बाल मजदूरी रोकना, बाल विवाह रोकना, उपरोक्त तीनों कथन में लिखे हुए उद्देश्य
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के उद्देश्य में शामिल है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रश्न क्रमांक 6 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 7, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो तब तक राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। आपको ध्यान रखना है 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 7 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 8, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? आपको बताना है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? दोस्तों हम सभी जानते हैं इस आयोग की प्रथम अध्यक्ष शांता सिन्हा जी हैं। आपको ध्यान रखना है शांता सिन्हा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं। ऑप्शन नंबर बी शांता सिन्हा प्रश्न क्रमांक 8 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 9, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों प्रियंक कानूनगो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रियंक कानूनगो प्रश्न क्रमांक 9 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 10, मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश बाल संरक्षण या बाल अधिकार संरक्षण आयोग? मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय दोस्तों कहाँ स्थित है? हम सभी जानते हैं नर्मदा भवन भोपाल में मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय स्थित है, नर्मदा भवन भोपाल। प्रश्न क्रमांक 11, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के बारे में पूछा जा रहा है। हम सभी जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर डी केंद्र सरकार द्वारा प्रश्न क्रमांक 11 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 12 की यदि हम बात करें तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कितनी बार से अधिक पद धारण नहीं कर सकते दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यह केवल 2 बार से अधिक अपने पद को धारण नहीं कर सकते। ध्यान रखिए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अधिकतम 2 बार अपने पद को धारण कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, बचपन बचाओ आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? बचपन बचाओ आंदोलन हम सब जानते हैं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के रहने वाले कैलाश सत्यार्थी द्वारा बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया था। यह नोबेल पुरस्कार विजेता है। ऑप्शन नंबर डी कैलाश सत्यार्थी प्रश्न क्रमांक 13 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 14, कैलाश सत्यार्थी को शांति नोबेल पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया? तो दोस्तों वर्ष 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न क्रमांक 15, खोया पाया पोर्टल का संबंध किससे है? तो आपको बताना है खोया पाया पोर्टल का संबंध किससे है दोस्तों? तो गुमशुदा बच्चों को या गुमे हुए बच्चे, पोर्टल के नाम से ही समझ आ रहा है खोया पाया पोर्टल, अर्थात गुम हुए बच्चों से संबंधित है खोया पोर्टल या खोया पाया पोर्टल। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 15 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 16, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की निष्कासन प्रक्रिया का आधार क्या है? तो दोस्तों इनको कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है, आयोग को बिना सूचित किए 3 बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहने पर हटाया जा सकता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ होने पर भी हटाया जा सकता है। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी आधारों पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 17, अध्यक्ष या सदस्य अपना त्याग पत्र किसे दे सकते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना त्याग पत्र
केंद्र सरकार को दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 17 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 18, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपता है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 19, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में कार्य कराने पर प्रतिबंध है, आपको बताना है किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने में कार्य कराने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो हम सभी जानते हैं वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 19 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 20, दोस्तों किशोर न्यायालय संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो हम सभी जानते हैं वर्ष 2000 में किशोर न्यायालय संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 20 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 21, पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत निषेध शामिल है? तो सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरासमेंट और पोर्नोग्राफी, दोस्तों इन तीनों बातों पर पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रश्न क्रमांक 21 का सही जवाब है। इसी क्रम में दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हुए चर्चा करेंगे प्रश्न क्रमांक 22 की। POCSO पॉक्सो का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस इसका पूरा नाम है, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 22 का सही जवाब है। दोस्तों याद रखिए आपके एग्जाम में फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से, आप इसे आवश्यक रूप से याद रखें। प्रश्न क्रमांक 23 पर अब हम पहुंचते हैं। दोस्तों पॉक्सो एक्ट के तहत कम से कम कितने साल के कारावास का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी कम से कम 20 वर्ष के कारावास का प्रावधान इस एक्ट के तहत किया गया है, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 23 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 24, शांता सिन्हा को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों शांता सिन्हा को एलर्ट शंकर इंटरनेशनल एजुकेशन अवार्ड 1999, पद्मश्री 1999 में, रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2003 में प्रदान किया गया। चूंकि यह तीनों पुरस्कार शांता सिन्हा को प्रदान किए जा चुके हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रश्न क्रमांक 24 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 25, बाल न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसे है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी राज्य सरकार को बाल न्यायालय स्थापित करने का अधिकार दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बाल न्यायालय की स्थापना का अधिकार राज्य सरकार को, प्रश्न क्रमांक 25 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 26 पर यदि हम आए तो राज्य बाल संरक्षण आयोग में कितनी महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है? दोस्तों हम सभी जानते हैं राज्य बाल संरक्षण आयोग में 2 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 26 का सही जवाब है। 2 सदस्यों का राज्य बाल संरक्षण आयोग में होना अनिवार्य है, ध्यान रखिए दोस्तों राज्य बाल संरक्षण आयोग में कम से कम 2 महिलाएं होना आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 27 की यदि हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल कन्वेंशन को कब अपनाया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दोस्तों बाल कन्वेंशन को 20 नवंबर 1989 को अपनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए 20 नवंबर 1989 प्रश्न क्रमांक 27 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 28, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस सबसे पहले कब मनाया गया? तो दोस्तों 20 नवंबर 1954 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया गया, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, ऑप्शन नंबर ए 20 नवंबर 1954 को मनाया गया, ऑप्शन ए प्रश्न क्रमांक 28 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 29, बाल संरक्षण आयोग की नोडल एजेंसी कौन सी है? दोस्तों हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 29 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 30, बाल न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक को न्यूनतम कितने वर्ष का अनुभव अनिवार्य है?
तो हम सभी जानते हैं बाल न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक को कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 30 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 31, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ समझौता 1989 के अनुसार किस आयु के व्यक्ति को बच्चों की श्रेणी में रखा गया है? तो दोस्तों 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र संघ समझौता 1989 के अनुसार, जो कि बाल अधिकारों से संबंधित था, को बच्चों की श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी 18 वर्ष से कम प्रश्न क्रमांक 31 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 32, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दोस्तों हम सभी जानते हैं प्रियंक कानून को। ऑप्शन नंबर डी बाल संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 32 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 33, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम वर्ष 2005 में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2005। प्रश्न क्रमांक 33 का सही जवाब है। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 34 की। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अन्य सदस्यों को दर्जा दिया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अन्य सदस्यों को राज्य मंत्री के स्तर का दर्जा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 34 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 35, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहां पर 3 कथन दिए हुए हैं, इन पर आपको विचार करना है और आपको सत्य कथन की पहचान करनी है। तो पहला कथन है, अध्यक्ष 3 वर्षों या 60 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है, जो कि गलत ऑप्शन है। अन्य सदस्य 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहेंगे। दोस्तों यह कथन भी गलत है, यहाँ पर उल्टा लिख दिया गया है, अध्यक्ष की आयु सदस्य में एवं सदस्य की आयु अध्यक्ष में। सदस्यों के कम से कम एक सदस्य महिला होगी। दोस्तों यह कथन भी गलत है, क्योंकि कम से कम 2 फीमेल मेंबर होना आवश्यक है। इस प्रकार से दोस्तों यह 3ों कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी सभी असत्य कथन है। प्रश्न क्रमांक 35 का सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 36, हाल ही में बाल अधिकार आयोग ने बच्चों को किस ऑनलाइन गेम से बचाने के लिए अभियान चलाया है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर ए ब्लू व्हेल गेम से बच्चों को बचाने के लिए बाल अधिकार आयोग ने अभियान चलाया है। दोस्तों ब्लू व्हेल गेम आप जानते हैं बहुत भयंकर गेम था, जिससे बच्चे आत्महत्या की ओर अग्रसर हो रहे थे। प्रश्न क्रमांक 37 की यदि हम बात करें, तो दोस्तों देश के पहले चाइल्ड फ्रेंडली या बाल हितैषी न्यायालय की स्थापना मध्य प्रदेश के किस शहर में की गई थी? दोस्तों आपको याद रखना है, देश के पहले चाइल्ड फ्रेंडली न्यायालय की बात यहाँ पर की जा रही है। हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में देश के पहले बाल हितैषी न्यायालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए उज्जैन। प्रश्न क्रमांक 37 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 38, गोकलपुर बाल सुधार गृह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गोकलपुर बाल सुधार गृह ऑप्शन नंबर ए जबलपुर में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 39, बचपन बचाओ आंदोलन कब से प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी 1990। प्रश्न क्रमांक 39 का सही जवाब है। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 40 की। तो दोस्तों बाल श्रम निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1986 में बाल श्रम निषेध अधिनियम पारित हुआ। प्रश्न क्रमांक 41, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब पारित किया गया? दोस्तों बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम दोस्तों 2006 में आया। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, बचपन बचाओ आंदोलन 1980 से प्रारंभ किया गया, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 में पारित हुआ, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम वर्ष 2006 में पारित किया गया। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 42 की। इनमें से कौन राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं राघवेंद्र शर्मा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के
अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे हैं। इसके अलावा शांता सिंह, कुशाल सिंह एवं स्तुति नारायण काकर इस पद को सुशोभित कर चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 43, हाल ही में चाइल्ड फंड इंडिया द्वारा मध्य प्रदेश में किस जिले में बाल सम्मेलन आयोजित किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, धार जिले में चाइल्ड फंड इंडिया द्वारा मध्य प्रदेश में बाल सम्मेलन आयोजित किया गया। आपको ध्यान रखना है धार जिला, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 43 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 44, दोस्तों ब्रजेश चौहान का संबंध किस क्षेत्र से है? हम सभी जानते हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्य के रूप में ब्रजेश चौहान जी पदस्थ हैं, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 44 का सही जवाब है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है नियुक्तियों से संबंधित प्रश्नों में आपको अपडेट रहने की आवश्यकता है। जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं मैं उस समय में जो नियुक्तियां हैं या जो व्यक्ति संबंधित पद पर नियुक्त है उनके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। हो सकता है आप यह वीडियो 1 महीने 3 महीने 6 महीने 2 साल 5 साल बाद देखें, तब आपको उस समय के अध्यक्ष सदस्य या फिर अन्य व्यक्तियों की जानकारी रखनी होगी। इसलिए लगातार आपको अपने आप को अपडेट भी करते रहना है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 44 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 45, वर्तमान में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के सदस्य हैं। आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं, आपको इनमें से सही कूट का चयन करना है। हो सकता है 2 सही हों 3 सही हों या सभी सही हों। तो चलिए कोशिश करते हैं। श्री यशवंत जैन, सुश्री प्रज्ञा परांडे, सुश्री रोजी ताबा, सुश्री रूपाली बनर्जी से हैं। दोस्तों वर्तमान में यह सभी राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के सदस्य के पद पर नियुक्त हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रश्न क्रमांक 45 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 46, अक्टूबर 2021 तक राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की कितनी सांविधिक बैठकें हो चुकी हैं? तो दोस्तों अब तक कुल 48 सांविधिक बैठकें हो चुकी हैं अक्टूबर 2021 तक। ऑप्शन नंबर डी 48 बैठकें प्रश्न क्रमांक 46 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 47, मामिडीपुडी वेंकटरंगैया नामक फाउंडेशन के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों शांता सिन्हा इस फाउंडेशन के संस्थापक हैं, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 47 का सही जवाब है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के बाल संरक्षण या बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में चर्चा करी MCQ या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से। यदि आपको हमारे द्वारा इस प्रकार से बनाए जाने वाले वीडियोस आपके एग्ज़ाम की तैयारी में आपकी सहायता करते हैं तो अधिक से अधिक संख्या में आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर करें जिनको हमारे वीडियोस से उनके एग्ज़ाम की तैयारी में उनको सहायता मिल सकती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाएं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको प्रोवाइड की हुई है। आप लिंक के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़कर हमारी इस सुविधा का लाभ भी ले सकते हैं। यदि आप इस पुस्तक को परचेस करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप लिंक के माध्यम से पुस्तक को परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, लगातार मेहनत करिए, तब तक मत रुकिए जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। जय हिंद।